मित्रों आइए एक नेक्स्ट केस देखते हैं, जो कि पहले से हाइपोथायरायडिज्म जिसको नहीं थी। तो एक 32 ईयर फीमेल जो यूथायरॉयड थी, जो जिसकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रही, एक नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट हुई और डिलीवरी के 4 वीक्स बाद किसी कारणों से जब उसके थायराइड फंक्शंस देखे गए तो वो हमें उसी तरह से T3 T4 लेवल्स एलिवेटेड और TSH लेवल्स सप्रेस्ड मिले। हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कि डिलीवरी के बाद कुछ ट्रांजिएंट वेरिएशंस होते हैं, इसलिए इस लेडी में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए और उसको 8 वीक्स बाद दोबारा बुलाया गया। जब 8 वीक्स के बाद इसके दोबारा थायराइड फंक्शंस देखे गए तो उसमें रिमार्केबल चेंज मिले। जो T3 T4 लेवल्स पहले एलिवेटेड थे वो अब अपने नॉर्मल रेंज में है, लेकिन TSH जो पहले सप्रेस था वो 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर फ्रैंक हाइपोथायरायडिज्म के रेंज में पहुंच चुका है। इस प्रकार यह लेडी जो हाइपोथायरायड नहीं थी, जो यूथायरॉयड थी, डिलीवरी के बाद ट्रांजिएंट टॉक्सिक फेज में रही, 8 वीक्स तक वेट करने के बाद वो हाइपोथायरायडिज्म में लैंड अप हुई। आखिर ये क्या है? वास्तव में डिलीवरी के बाद 1 साल तक हाइपरथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म कन्वर्टिंग इनटू हाइपोथायरायडिज्म, इन 3 प्रकार की ये जो सिचुएशंस आ सकती हैं, इन सबको सम्मिलित रूप से पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कहते हैं, जो काफ़ी उन फीमेल्स में होती हैं जिनको पहले से कोई थायराइड डिसऑर्डर की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी। वास्तव में ये पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस यह कॉमनेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमें प्रेगनेंसी के बाद सडनली आउटबर्स्ट के रूप में मिलता है। ये देखा गया है कि कुछ कंट्रीज में इसकी प्रेवलेंस 16% प्रेगनेंसीज तक भी हो सकती है। अगर किसी को कोई दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पहले से हैं तो उन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की प्रेजेंस में पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस की प्रेवलेंस और बढ़ जाती है। आइए समझते हैं ऐसा होता क्यों है। डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाने से सारे ऑटोइम्यून प्रोसेसेस फ्लेयर अप हो जाते हैं और इसी फ्लेयर अप होने से इम्यूनोलॉजिकल इम्यून मीडिएटेड डैमेज थायराइड फॉलिकुलर एपिथीलियम का होने लग जाता है। अब यह थायराइड फॉलिकल्स जब इम्यूनोलॉजिकल डैमेज से डिसरप्ट होती हैं तो इनमें कलेक्टेड थायराइड हार्मोन ब्लड में रिलीज होकर T3 और T4 के लेवल्स को बढ़ा देता है। अब यह ब्लड में आया हुआ T3 T4 लेवल्स ग्रेजुअली मेटाबोलाइज होकर और एक्सक्रीट आउट हो जाता है और बाद में इसके लेवल्स कम आने लग जाते हैं, लेकिन हमारी थायराइड फॉलिकल यदि इसमें डैमेज परमानेंट हो चुका है, यदि बॉडी उसको रिपेयर नहीं कर पाई, उन केसेस में थायराइड के फंक्शंस, थायराइड फॉलिकल के फंक्शंस कम होते जाते हैं, वो न्यू हार्मोन सिंथेसिस नहीं बना पाती, इसलिए ऐसे केसेस इवेंचुअली हाइपोथायरायडिज्म में लैंड अप करते हैं। तो इस प्रकार से किसी नॉर्मल फीमेल में भी ऑटोइम्यून प्रोसेस के फ्लेयर अप हो जाने से पोस्टपार्टम चेंजेस मिल सकते हैं, जो कि एक ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस और उसके बाद सब्सिक्वेंट हाइपोथायरायडिज्म के रूप में प्रेजेंट करते हैं। काफ़ी केसेस में यह हाइपोथायरायडिज्म की फेज लंबी चलती रहती है, वो परमानेंट हाइपोथायरायडिज्म में लैंड अप करते हैं। कुछ केसेस में ये ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस और ट्रांजिएंट हाइपोथायरायडिज्म होने के बाद बॉडी रिकवर करके उन केसेस को यूथायरॉयड बना देती है। तो ध्यान रहे, नॉर्मल फीमेल्स भी डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में इस पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस के कारण से थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोथायरायडिज्म और परमानेंट हाइपोथायरायडिज्म इनमें जा सकती हैं, और यही इम्पोर्टेंस है इस पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस की।